तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं, सामान्य वर्ग से मजबूत चेहरा हैं भजनलाल शर्मा। तो बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता रहे हैं। एक और खबर सामने आई है, जहां राजस्थान में भी दो डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान किया है, जहां दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, वहीं इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। बड़ी खबर स्क्रीन पर, जहां वासुदेव देवनानी होंगे राजस्थान के स्पीकर। वासुदेव देवनानी को राजस्थान के स्पीकर चुने गए हैं। वहीं राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान हो चुका है, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने नाम का प्रस्ताव रखा था भजनलाल शर्मा का, जिसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला हो चुका है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां भाजपा कार्यालय में थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसमें नाम था कौन हो सकते हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। और अब स्थिति साफ हो चुकी है, जहां राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है, जिसमें भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वहीं आपको इसके अलावा बता दें कि भजनलाल शर्मा सांगानेर सीट से विधायक हैं और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं फिलहाल भजनलाल शर्मा। वहीं पहली बार के विधायक रहे हैं भजनलाल शर्मा और सामान्य वर्ग का मजबूत चेहरा है भजनलाल शर्मा। वहीं इसके अलावा राजस्थान में होंगे दो डिप्टी सीएम, जहां दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगे और इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा दूसरे डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वासुदेव देवनानी राजस्थान के स्पीकर होंगे। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी देर पहले हुई थी, जहां ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह मौजूद थे, वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी कार्यालय में मौजूद थी और राजनाथ सिंह भजनलाल शर्मा का गुलदस्ता देकर स्वागत करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता रहे हैं कि भजनलाल शर्मा अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भरतपुर के रहने वाले हैं भजनलाल शर्मा। और साथ ही आपको बता दें कि संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं भजनलाल शर्मा, वे प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया और पहली बार में ही वे सीएम बन गए। मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काट कर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं आपको बता दें कि सांगानेर से विधायक बताते चले कि सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ है, ऐसे में भजनलाल शर्मा ने जीत दर्ज की और संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही बता दें कि पर्यवेक्षकों संघ बैठक में ये फैसला लिया गया है। भाजपा आला कमान ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया था और इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें स्थिति साफ हो चुकी है राजस्थान में कौन होगा नए मुख्यमंत्री, जो काफी टाइम से सस्पेंस चल रहा था, पहले छत्तीसगढ़ फिर मध्य प्रदेश और अब आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें कि राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है, जहां भजनलाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे और सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं, पहली बार विधायक बनाए गए हैं बीजेपी के
प्रदेश महासचिव हैं और भजनलाल शर्मा की उम्र 56 साल है। वह भरतपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर जीत दर्ज करने के बाद जनता का उन्होंने आभार जताया था और अब एक नई जिम्मेदारी के साथ राजस्थान की कमान संभालेंगे। आपको बताने की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और इस पर सर्वसम्मति से चुन लिया गया।